ईमानदारी का इनाम। ईमानदार व्यक्ति की सब जगह प्रशंसा होती है, उसे ईमानदारी का अच्छा फल अवश्य मिलता है। आइए देखें कैसे गरीब लकड़हारा ईमानदारी के बल पर धनवान बन गया। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत निर्धन था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर गुजारा करता। एक दिन वह नदी किनारे लकड़ियां काटने गया। आज खूब सारी लकड़ियां काटकर ढेर सारे रुपए कमाऊंगा। अचानक लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ओह, मेरी कुल्हाड़ी! लकड़हारा नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? लकड़हारे के रोने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। तभी नदी से जल देवता प्रकट हुए। क्या बात है, तुम इतनी जोर जोर से क्यों विलाप कर रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? धैर्य रखो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ला देता हूँ। जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने फिर डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं भगवान, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार उनके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, लकड़हारा गरीब अवश्य है पर ईमानदार है, इसे इसका पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या सोच रहे हैं भगवान, मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए। तुम बहुत ईमानदार हो, तुम सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को अपना कह सकते थे पर तुमने ऐसा नहीं किया। बस मैं एक डुबकी और लगाकर आता हूँ। मेरी कुल्हाड़ी तो देते जाइए भगवान। जल देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ ही नदी में डुबकी लगाई। जल देवता नदी में से सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी ले आए। तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां पुरस्कार में देता हूँ। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी गरीबी दूर कर दी। इस प्रकार लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का फल मिल गया। वह धनवान बन गया और परिवार के साथ सुख से रहने लगा।